नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। अभी तक बहुत सारे प्रश्न थे कि प्रेगनेंसी में टीका लगवाना है कि नहीं कोरोना का, ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम करवा रहे हैं तो हमें टीका लगवाना है कि नहीं। तो मैंने हर मरीज़ को मना किया है कि आपको अभी वैक्सीन नहीं लगवाना है, लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं कि गवर्नमेंट ने अब इसको सहमति दे दी है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं टीका लगवा सकती हैं। तो जितनी भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उन सबको अब मैं ये संदेश देना चाहती हूं कि अब आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन कौन सा लगवाना है, आपको जो अवेलेबल हो रहा है वो वैक्सीनेशन लगवाना है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। ध्यान ये रखना है कि जो वैक्सीन पहली बार लगा है, दूसरा वैक्सीन वही लगेगा। उसका इंटरवल आप जब फर्स्ट टाइम लगवाने जाएंगे तो आपको खुद बताया जाएगा, जैसा कि बताया जाता है कि कोविशील्ड 6 to 8 weeks अपार्ट, और अब नई गाइडलाइन के हिसाब से 3 months के गैप के बाद लगवाना है सेकेंड डोज, और जो कोवैक्सीन है उसको 28 days के बाद लगाना है सेकेंड डोज। कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन के थोड़े माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द होना, बुखार आना, सिर दर्द होना, चक्कर होना, गर्दन दर्द होना, हल्का सा जी मचलाना, इन सारे साइड इफ़ेक्ट से डरना नहीं है। दर्द बुखार कुछ हो तो पैरासीटामोल की टैबलेट लेना है, और 2-3 दिन में ये सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो सेकेंड डोज के कम से कम 2 to 3 weeks के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी सारे प्रिकॉशंस, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम पहले करते थे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हैंड सैनिटाइज करना, डबल मास्क पहनना, ये सारी चीज़ों बाद में भी फॉलो करना है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटे पेशेंट्स हैं या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, उनको भी वैक्सीन लेना है। क्रॉनिक रीनल डिजीज़ और दूसरी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनको भी वैक्सीन लेना है। सिर्फ वैक्सीन उनको नहीं लेना है जो प्रेग्नेंट है अभी तक की गाइडलाइंस के अनुसार, और जिनको अभी कोविड के सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट अभी ICU में एडमिट हैं, या वो पेशेंट जो जस्ट रिकवर हुए हैं कोविड से, अगर आपको कोविड हुआ है और आपके 14 डेज हो गए हैं तो आपको 1 महीने का और इंतज़ार करना है। मतलब कोविड इन्फेक्शन होने के 6 week के पहले वैक्सीन नहीं लगवाना है। वैक्सीन के लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रेयर कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे गए हैं जो डेवलप होते हैं। अदरवाइज़ वैक्सीन से डरना नहीं है, वैक्सीन बिना सोचे समझे सभी को लगवाना है। जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर से हीमोफीलिया है वो ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर ले, जिनको पहले कोई ड्रग से एलर्जी होती है वो एक बार कंसल्ट कर ले, अदरवाइज़ वैक्सीन सभी को लगवाना है। वैक्सीन डेफिनेटली प्रोटेक्टिव है, कितना प्रोटेक्शन देगी इट इज़ नॉट श्योर, बट 70-80% प्रोटेक्शन कंपनी क्लेम करती है। इसके बाद भी आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीनेटेड पर्सन को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, डेथ रेट कम होंगे, इसलिए डेफिनेटली ये प्रोटेक्टिव है। वैक्सीन जो अवेलेबल है वो लगवाना ही है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं लाना है। इसके अलावा डाइट और इम्यूनिटी बूस्टअप करने की जो चीज़ें हैं वो तो आपको करनी ही हैं। तो मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो वैक्सीन अब लगवा सकती हैं। धन्यवाद।